बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? आज मौसम बहुत प्यारा था, हमने सोचा बारबेक्यू करते हैं। ये लैम्ब चॉप से 1.5 kg, इसमें जी गार्लिक चला गया 1 टेबल स्पून, हल्दी चली गई पिंच 1 टी स्पून है, जो वो कुटा हुआ धनिया, और 2 टेबल स्पून जो है इसके अंदर गए हैं जी पेरी पेरी रब मसाला होता है या मिलता है, ये पेरी पेरी सॉस है मैरिनेट, और 1 पेरी पेरी रब, ये मैंने दोनों डाले थे, वो 2 टेबल स्पून थी, ये भी 2 टेबल स्पून है। इससे इसकी स्मेल बहुत डिफरेंट और बहुत मज़े की आती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने ये एलडी से लिया था, बाकी का मुझे नहीं पता, पाकिस्तान का मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ मैंने एलडी से लिया था। ये लेमन जूस और सिरका क्या इसने, या आप टी स्पून का कर सकते हैं, क्योंकि ये मेथी, ये मैंने कलर के लिए लाल मिर्च पाउडर डाली थी 1 टी स्पून, ये ओलिव ऑयल इसमें चला गया, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून आपने इसके अंदर डाल देने। मेरी लैंग्वेज को क्या हो गया भाई, यहाँ मैं नमक डालना भूल गई थी, तो फिर मुझे याद आया जब मैं मसाला साइड से चेक करती होती हूँ कि कैसा है, तो उसमें नमक, मैंने कहा ये क्या, ये नहीं जी, नमक मैंने अपने हिसाब से डाला था, आप अपने हिसाब से डालें। मैंने इसमें 1 टीस्पून डाला था, ये लैम मिक्स आ गया है जी, जिसमें सिर्फ नमक, काली मिर्च और ओलिव ऑयल जाएगा, और हल्दी, हल्दी कलर के डालती हूँ। स्पाइसेस इसमें आप अपनी मर्ज़ी की ऐड कर लें, इसमें जितनी कम स्पाइसेस होंगी ये उतना ही मज़े का होगा। ये वाला जो मिक्स लैम होता है, या मिक्स गोश्त, आप जिसके भी बना रहे हैं, गोश्त के, चिकन के, या लैम के, हल्दी में कलर के डालती हूँ, उसका कलर बहुत अच्छा आ जाता है। अब इसको मैं फ्रिज में, इन दोनों चीज़ों को मैं फ्रिज में तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए रखूँगी। ये तो बारबेक्यू जो है उसमें हमने आग लगा दी थी, कोयले हमने रख दिए थे, ये अभी होंगे कोयले, तो इंशाल्लाह फिर हम स्टार्ट करेंगे। जिन लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन इजी से मिल जाए। यहाँ मौसम बहुत प्यारा हो रहा था, इसीलिए फिर जल्दी से हम लोग का बारबेक्यू का प्लान बना। यहाँ इतनी पाकिस्तान जैसी गर्मी नहीं होती, बट ये कि ठीक है, गुजारे लायक है। यहाँ जो मिक्स लैम था, वो जो सीख पे लग रहा था, उसको हमने सीख पे लगा दिया था, क्योंकि बहुत सजो नहीं लग रही थी, बहुत छोटे पीसीस थे, तो जो लग रहा था उसको हमने लगा दिया, जो नहीं था फिर हमने उसको रख दिया, जो ग्रिल होती है उसके अंदर रख के। तो ये देखिए, ये लैम चॉप्स भी हमने रख दी, ये छोटे वाला, ये लगी साथ फिश भी थी इसकी। फिर मैंने सोचा कि मैं अब वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको रेसिपी इंशाल्लाह फ़िश की भी, और जो मैंने रोस्ट पोटैटो बनाए थे उसकी भी शेयर कर दूँगी। अगर किसी को चाहिए तो प्लीज़ कॉमेंट में बताएं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में वो भी बना दूँगी, क्योंकि गर्मी में यहाँ हम लोग बारबेक्यू हफ्ते में या 2 हफ्ते में तो लाजमी होता है, या जब गैदरिंग होती है तो लाजमी होता है, चलो बंदा फिर वीडियो बना लेता है। ये देखिए जी, ये आप कलर चेक करें, स्मेल इतनी ज़बरदस्त आ रही थी ना, दोनों चीज़ों की अलग अलग स्मेल थी, इसकी, ये जो सीख पे लगा है लैम, और जो लैम चॉप्स हैं उसकी, लैम चॉप्स में जो पेरी पेरी का सॉस था उसकी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत मज़े की आ रही थी। इसमें सिर्फ आप, इसमें हल्दी की और काली मिर्च की स्मेल अच्छी आ रही थी। ये देखिए माशाल्लाह, ये बहुत टेंडर हो गया था, ये जैसे दिखने में लग रहा है कि बहुत सख्त है, उतना ही सॉफ्ट था, जूसी, बहुत मज़े का था, ज़रूर ट्राई कीजिए आप लोग। यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ा सा डेकोरेशन करके दिखा दूँगी कैसा है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये जो मेरी आज की सिंपल सी छोटी सी कुक सी रेसिपी है ज़रूर पसंद आई होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसा है, और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये मज़े की थी इसमें, स्पेशली लैम चॉप्स बहुत बहुत मज़े की बनी थी, बहुत ज़्यादा। यहाँ मुझे समझ ही नहीं आई थी कि मैं कौन सा उठाऊँ कौन सा खाऊँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं मैं बाद में खा लूँगी अभी क्या खाऊँ, बहुत मज़े की बनी थी स्पेशली लैम चॉप्स। ये भी आपको आवाज़ आ रही होगी गाड़ियों की, सॉरी मैं अभी ये फायर बैग की एडिट कर रही हूँ, तो चलो कोई बात नहीं, हल्का फुल्का तो चलता रहता है। ये देखें ये कितनी टेंडर थी, मैंने जूस को हाथ से खाई है, टूट गई, वैसी नहीं थी जैसे आप हांडी बनाते हो तो, लेकिन ये जो बारबेक्यू में जैसे होता है ना इसका वो टेस्ट। ये देखें आप इनका कलर चेक करें, माशाल्लाह कितना प्यारा था, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा अगली वीडियो के लिए। अल्लाह।